रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें कि पांडव सेरा ट्रैक पर मौसम खराब होने के कारण व भारी बर्फबारी के चलते कुछ ट्रैकर फंसे हुए थे, जहां आज उन ट्रैकर्स को एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड के कारण इन्हें थोड़ी दिक्कत हुई है, बाकी तीनों ट्रैकर्स ठीक हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय पोर्टर भी सकुशल अपने गांव के लिए निकल गए हैं। सकुशल गौचर पहुंचे ट्रैकर्स ने बताया कि जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की मदद से हमें सकुशल निकाला गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवान ने हमें बहुत हौसला दिलाया, वह हमारे साथ हर समय पल पल की जानकारी देते रहे थे। जिला प्रशासन से हमें सहायता मिली कि हमारा रेस्क्यू किया गया और हमें गोचर लेके आए और फिर हमें आईटीबीपी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमें वहाँ बहुत कठिनाई हुई, खाने पीने की बहुत दिक्कतें थी, बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी। हाँ, हमारे साथ संपर्क में डीडीएमओ थे रुद्रप्रयाग के, उनका नाम है नंदन सिंह रजवार। वो कम हर 1-2 घंटे में फोन कर रहे थे, हमारा हालचाल पूछ रहे थे, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज सुबह लगभग 6:30 के लगभग सूचना दी गई डीडीएमओ नंदन रजवार के द्वारा कि कुछ ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया जा रहा है, वह उन्हें एयरफोर्स के चॉपर के द्वारा गोचर हेलीपैड में लाया जा रहा है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के साथ अपनी मेडिकल टीम वहां पर रवाना करी। वह जो भी घायल वहां पर लाए गए थे उनको तुरंत यूनिट हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया और तुरंत यूनिट हॉस्पिटल में अभी उन सबकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और उपचार जारी है। डिहाइड्रेशन थी सबको और एक घायल को थोड़ी कोल्ड इंजरीज भी थी और वह अभी उपचाराधीन है। वह सभी अभी खतरे से बाहर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और आईटीबीपी की त्वरित कार्रवाई के दौरान के कारण ही इनका जान बचना संभव हुआ है।